बेटा, कुछ बच्चे कह रहे हैं एक बार रिपीट कर लो, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। लेक्चर फिफ्थ है बेटा आपका, ये नाम है इसका डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन, इसका नाम है लेबनीज रूल, दूसरा नाम है इसका लेबनीज रूल। तो ये दो बार आएगा बेटा, एक बार अब आएगा, एक बार इंटीग्रेशन के वक्त भी आएगा। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यदि आपके पास कोई इंटीग्रेशन है एफ ऑफ टी का, उसकी लिमिट है फाई ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स है, तो सारा क्वेश्चन फाइनली एक्स में आ जाएगा बेटा। अब आपको उसका डेरिवेटिव करना है, इसका फार्मूला है अपर का डेरिवेटिव रिप्लेस टी बाय अपर, फिर है लोअर का डेरिवेटिव यानी कि फाई ऑफ एक्स का रिप्लेस टी बाय लोअर। अधिकतर हम इसका यूज कहाँ करते हैं बेटा, जहां पे इंटीग्रेशन हो और डेरिवेटिव भी करना पड़ जाए, या कोई इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो, हमें इंटीग्रेशन ना करनी पड़े, बिना इंटीग्रेशन के ही किए हम डेरिवेटिव करके सीधा अपने रिजल्ट पे आ जाए, या इंटीग्रेशन बहुत लेंथी हो। नीचे बाय एक्चुअली, जैसे कुछ इंटीग्रेशन बेटा बहुत मुश्किल होते हैं बेटा, तो वहां ये काम आता है बेटा, वहां ये बहुत काम आएगा। जैसे हम अंडर रूट साइन टी है, आप यदि उसका इंटीग्रेशन करते हैं बेटा ये कॉस रूट टी का, तो आप कर ही नहीं पाओगे, तो क्वेश्चन अटक गया बेटा, बीच में रुक गया। या मान लो कोई लेंथ ही है, जैसे ये लो साइन टी की पावर 10 कॉस टी की पावर 18 है, आपको मान लो उसका इंटीग्रेशन करना बेटा, तो बेटा ये कम से कम 4 पेज 5 पेजों का इंटीग्रेशन है इसका। उसके बाद यदि आप कर भी देते हो तो 3 4 पेज खराब हो जाएंगे बेटा आपके, फिर उसके बाद डेरिवेटिव भी करते हो तो टाइम वेस्ट है बहुत ज्यादा। तो ऐसी जगहों पे हम लेबनीज रूल यूज करते हैं बेटा। तो क्या है? ये लो मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे आपके पास मान लो ये एक एग्जांपल दिया मैंने, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब साइन टी की पावर 10 कॉस टी की पावर 100 है, मान लो ये बहुत इंटीग्रेशन करना है बेटा हमें इसका, करके इसका फिर डेरिवेटिव भी करना है, तो हम यहां क्या करेंगे बेटा, पहले तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूं कई पेजों का, फिर उसका डेरिवेटिव करूं, तो बेटा 1 घंटा अपना खराब करूं, इसकी बजाय लेवनी रूल लगाओ। लेवनी रूल क्या कहता है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव रिप्लेस टी बाय एक्स क्यूब, ये लो साइन एक्स क्यूब की पावर 10 कॉस एक्स क्यूब की पावर 18, फिर एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव साइन एक्स स्क्वेयर की पावर 10 कॉस एक्स स्क्वेयर की पावर 18, ये आ गया 3x, क्या वहां पे आ गया 2x, ये आंसर आ गया बेटा। तो जो ये क्वेश्चन आपका 1 घंटे का ना बेटा, आपने इसको मुश्किल से 1 मिनट में कर दिया बेटा, तो ये कहलाता है बेटा लेबनीज रूल डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन। ये 3 4 होते हैं बेटा, अभी जो लिमिट में एक ही यूज होता है मैं वही करा रहा हूँ बेटा। तो ये लो मैं आपको इसका क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ। लो ये क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू x मॉड टी माइनस 1 इंटू डी टी डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस 1, कह रहे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ बेटा। इवेल्युएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव 1 से एक्स तक है बेटा, मॉड टी माइनस 1 डी टी साइन एक्स माइनस 1, ये आपका असाइनमेंट का 33rd क्वेश्चन है बेटा। इसकी वैल्यू निकालनी बेटा आपको, पहले आप क्या करेंगे बेटा, ऊपर नीचे एक्स को 1 फिलअप कर देंगे बेटा,
ऊपर और नीचे आप x को 1 फिलअप कर दो बेटा, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये लगभग 1 पॉजिटिव है बेटा। आप जानते हो 1 पॉजिटिव माइनस 1 करोगे 0 आना बेटा, तो ये सारा आ गया आपका 0/0 फॉर्म, ये आ गया बेटा। चलो क्योंकि 1 पॉजिटिव का मतलब होता है 1.00001, माइनस 1 करोगे 0.00001 का मोड 0.00 ही तो आना बेटा, तो लगभग ये 0/0 फॉर्म आ रही है। तो आप क्या करोगे इसके ऊपर, 0/0 फॉर्म आ रही है तो आप इसके ऊपर लेबनीज रूल लगाओ बेटा, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ बेटा, ये लो। यानी कि हमारा ये जो क्वेश्चन है ये 0/0 फॉर्म आ रहा है बेटा, ये लो लिमिट। वन टू एक्स मॉड टी माइनस वन इंटू डी टी बाय साइन एक्स माइनस वन। अब जैसे ही वन प्लस भरोगे लिमिट, ये सारा कितना आ गया बेटा 0/0 फॉर्म, ये आ गया बेटा। अब अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहते हैं, आप ऊपर डेरिवेटिव कर दो बेटा इसका, d/dx ऑफ 1 to x मॉड टी माइनस वन इंटू डी टी डिवाइडेड बाय d/dx साइन एक्स माइनस वन, जीरो। डेरिवेटिव कर अब आप इसकी लिमिट ले लो बेटा, x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर प्लस, ये लगा दो बेटा। अब ऊपर लेबनीज़ रूल लगाओ बेटा, लेबनीज़ रूल क्या कहता है, अपर का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, d/dx ऑफ x अपर का डेरिवेटिव रिप्लेस t/अपर, तो ये लो मॉड x माइनस वन। फिर लोअर का डेरिवेटिव d/dx ऑफ लोअर, लोअर है 1 का, रिप्लेस t/लोअर, 1 माइनस 1 आ गया बेटा ये, ओवर में साइन एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस वन, द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, ये आ गया। अब एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, मॉड एक्स माइनस 1 एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया बेटा, नीचे आ गया कॉस एक्स माइनस 1, द लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू 1 1 प्लस, ये आ गया। अब आप पुट कर दो बेटा x को 1 प्लस एच द लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस, तो सारा क्या आ गया 1 प्लस एच माइनस 1 बाय में कॉस एच लिमिट एच है 0 प्लस, 1 प्लस 1 एच, एच का मोड एच हो गया बेटा, एच बाय कॉस एच, ये आ गया लिमिट एच है 0 प्लस, ये आ गया। अब ऊपर आपके पास ये आ गया बेटा, वही एच है 0 प्लस है, लगभग 0 ही होगा बेटा, तो 0/1 आंसर फाइनली 0 आ गया बेटा। अब यहां पे इंटीग्रेशन भी थी और आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ गया, जब इंटीग्रेशन है और एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ गया तो इसका मतलब आपको लेबनी रूल लगाना पड़ेगा बेटा, तो यही कारण है बेटा लेबनी रूल लगाने का। ये लो इस टाइप का एक और कराता हूं बेटा, स्टेटमेंट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 इंटीग्रेशन बेटा वाई से सी e की पावर साइन स्क्वायर टी इंटू डी टी माइनस एक्स प्लस वाई से सी e की पावर साइन स्क्वायर टी इंटू डी टी अपॉन में x आ गया बेटा, तो y से c e की पावर साइन स्क्वायर टी डी टी माइनस में एक्स प्लस वाई से सी ई की पावर साइन स्क्वायर टी डी टी डिवाइडेड बाय एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0,
ये आपका असाइनमेंट का 30th क्वेश्चन है बेटा, ये मैं आपको असाइनमेंट के ही करा रहा हूं। तो इसको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा आपको, इवेल्युएट लो बेटा आंसर इसका। आप इंटीग्रेशन में जाओगे ना बेटा, वहां पे एक रिजल्ट आता है, यदि आपको ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना, तो मान लो इसको बीच में कहीं ब्रेक करना है, ए टू सी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो सी टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं बेटा आप। देसी भाषा में यूं समझ लो, आपको रोहतक से दिल्ली जाना है बेटा, तो आप रोहतक से चले जाओ बहादुरगढ़, और बहादुरगढ़ से चले जाओ दिल्ली, तो आप बीच में ब्रेक कर सकते हो बेटा। ये इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी आती है बेटा, आज से 10 दिन बाद आ भी जाएगी बेटा, 8-10 दिन बाद तुम्हारा इंटीग्रेशन स्टार्ट, सॉरी 7-8 दिन बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी, तो उसके अंदर आएगी ये प्रॉपर्टी। रोहतक से दिल्ली जाना हो तो रोहतक से बहादुरगढ़ और बहादुरगढ़ से दिल्ली, आप उसको बीच में ब्रेक कर सकते हो बेटा। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक तो ये प्रॉपर्टी यूज करो, दूसरी एक ये भी प्रॉपर्टी होती है बेटा, ए टू बी का इंटीग्रेशन करना हो कभी भी, तो आप लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हो बेटा, बी टू ए कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स सारे के बाहर माइनस लगा दो, अपर की लोअर, लोअर की अपर लिमिट बन जाती है बेटा। तो ये लो, इसी को यूज करके क्वेश्चन करा रहा हूं। आपके पास ऊपर क्या दे रखा है बेटा, वाई से सी ई की पावर साइन स्क्वायर टी इंटू डी टी, या आप लोअर की अपर, अपर की लोअर कर दो, तो सी से एक्स प्लस वाई ई की पावर साइन स्क्वायर टी इंटू डी टी, ये बन गया बेटा। मैंने लोअर की अपर कर दी, अपर की लोअर कर दी बेटा, मैंने मैंने क्या किया, वाई से सी ये तो वही छोड़ दिया, उसकी लोअर अपर, अपर लोअर बना दी बेटा। अब इसमें रोहतक से दिल्ली वाली प्रॉपर्टी लगा दो, वाई है रोहतक, सी है बहादुरगढ़, तो क्या लिखा पड़ा, ये रोहतक से बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ से दिल्ली, तो आप इसको पूरा बना दो बेटा, रोहतक से दिल्ली चलो, तो वाई से बन गया एक्स प्लस वाई e की पावर साइन स्क्वायर टी इंटू में डी टी बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये बन गया। अब आप जैसे ही ऊपर नीचे एक्स को जीरो भरोगे, तो इंटीग्रेशन में बेटा लोअर अपर लिमिट सेम बन जाए, ए टू ए का इंटीग्रेशन आ जाए करना, तो याद रखना लोअर अपर लिमिट सेम हो जाए तो जीरो होता है। अब मान लो मैं जैसे ही एक्स को जीरो भरता हूं, आप ऊपर नीचे लिमिट एक्स को जीरो भरो, तो ये सारा क्या बन गया, 0/0 फॉर्म आ गई। ये लो एक्सप्लेन कर देता हूं, मान लो मैं ऊपर नीचे एक्स को जीरो भरता हूं, तो वाई टू वाई ई की पावर साइन स्क्वायर टी आ गया बेटा इंटू डी टी बाय जीरो आ गया सारा। ये लो, अब लोअर अपर लिमिट सेम हो जाए तो बताया था ये जीरो बन जाता है बेटा, ये लो सारा जीरो फॉर्म में, जीरो फॉर्म आ गई। अब यदि ये 0/0 फॉर्म आ गई, तो अब आप इसके ऊपर चाहो तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, तो ये लो अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। कैसे, अपर का डेरिवेटिव डीवाई डीएक्स अपर, ये लो वाई से एक्स प्लस वाई e की पावर साइन स्क्वायर टी इंटू डी टी, ये लो फिर लोअर का डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स ऑफ लोअर एक्स का आ गया बेटा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ये आ गया, यानी कि अपर का डेरिवेटिव रिप्लेस टी बाय अपर, लगाओ बेटा इसके ऊपर लेवरेज रूल, नीचे
नीचे एक्स का डेरिवेटिव तो वन आ गया बेटा, ऊपर अब एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, चलो लिख देता हूं डीवाई डीएक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, और रिप्लेस टी बाय अपर ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस लोअर का डेरिवेटिव डीवाई डीएक्स ऑफ वाई, ये आ गया ई की पावर साइन स्क्वायर लोअर, ये आ गया बेटा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो बेटा, ये आ गया। अब आप क्या करोगे बेटा, ये देखो x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x वन आ गया, y का जीरो हो गया बेटा, y कांस्टेंट है यहाँ पे, फिर e की पावर साइन स्क्वायर x प्लस वाई माइनस में यहाँ पे y कांस्टेंट है बेटा, तो y का डेरिवेटिव तो जीरो हो गया बेटा, ये तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, तो सारा आ गया e की पावर साइन स्क्वायर x प्लस वाई लिमिट x टेंड्स टू जीरो, फाइनली आंसर आ गया e की पावर साइन स्क्वायर वाई, ये आंसर आ गया बेटा। ये मेन में नहीं आते, ये एडवांस में आते हैं बेटा, मुश्किल है ये थोड़े से। मेन का पेपर तो बिल्कुल आसान आता है, मेन का आधा पेपर तो एलिमेंट बुक से आ जाएगा आपका, एलिमेंट की गारंटी लेता हूँ, इलेवन ट्वेल्थ की आधा पेपर। मेन तो बहुत आसान आता है बेटा, तो ये जो लेबनीज एवरेज है ना बेटा, ये मेन में नहीं आते बेटा ऐसे। ये लो एक और इस टाइप का कराता हूं बेटा, ये लो एक एग्जांपल और दे रहा हूं, ये असाइनमेंट का 75th क्वेश्चन है बेटा, असाइनमेंट का स्टेटमेंट है लेट एफ इज ए फंक्शन है, लेट एफ इज ए फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर, बी डिफरेंशिएबल फंक्शन है बेटा, एफ हमारे पास एक फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है बेटा, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू फोर है बेटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन इंटीग्रेशन फॉर से f of x 2t divided by x minus 1, एक भी भेज चुका हूं इसे को रिजल्ट कर, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 इंटीग्रेशन फॉर से f of x 2t by x minus 1 इंटू dt, करें इसकी वैल्यू निकालो बेटा। तो आपका ये 75th क्वेश्चन है बेटा असाइनमेंट का, दोबारा सुन लो, लिमिट टी अप्रोच एक्स अप्रोचेस टू वन फोर से एफ ऑफ एक्स टू टी बाय एक्स माइनस वन डी टी। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इंटीग्रेशन हो रहा है विस्पेक्ट टू टी, इसका मतलब x माइनस वन वहां पे कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू t, इसका मतलब x माइनस वन वहां पे कॉन्स्टेंट है, तो उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर ले जाओ बेटा, सारा क्या बन जाएगा ये 2t टी इंटू डी टी फॉर से लेकर f ऑफ x, ये बन गया बेटा डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन को बाहर लिख दिया बेटा, क्यों ये कांस्टेंट है बेटा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन ये रहा। अब मैं यदि ऊपर नीचे एक्स को वन फिलअप करता हूं, यदि मैं ऊपर और नीचे
एक्स को वन फिलअप करता हूं तो क्या बन जाएगा, देखो ये सारा फोर से एफ वन टू टी डी टी वन माइनस वन जीरो, एफ वन फोर दे रखा बेटा तो फॉर से फॉर टू टी डी टी बाय जीरो, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, सारा जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गई। वीडियो ऑन रखो, अपनी वीडियो ऑन, सभी सब देख रहा हूं मैं, ये प्रिंस तेरे को देख रहा हूं बेटा, क्या कर रहा है तू बताऊंगा तेरे को बाद में, सब नजर आ रहा है तू क्या कर रहा है। ये बन गया जीरो बाय जीरो फॉर्म भाई, जब तक जीरो बाय जीरो नहीं बनेगा आप एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते बेटा, तो जीरो बाय जीरो बन गया। अब क्या करो आप, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल बेटा, कैसे ऊपर डेरिवेटिव कर दो बेटा, डी वाई डी एक्स ऑफ फोर से एफ ऑफ एक्स टू टी डी टी, ये आ गया बेटा। नीचे डेरिवेटिव करोगे आप डी वाई डी एफ एक्स एक्स माइनस वन का लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, ये कर दिया। अब नीचे तो x माइनस वन का डेरिवेटिव वन माइनस जीरो आ गया, ऊपर लेवरी रूल लगाओ तो ऊपर लेवरी रूल क्या कहता है, अपर का डेरिवेटिव, अपर है f ऑफ x तो f ऑफ x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x f डैश x, ये आ गया। फिर रिप्लेस t बाय अपर, तो ये लो टू इंटू में f ऑफ x माइनस लोअर का डेरिवेटिव, फोर का डेरिवेटिव जीरो, रिप्लेस टी बाय लोअर टू इंटू फोर जीरो इंटू सारा जीरो हो गया बेटा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन। अब जा जा पे एक्स है वन फिलअप कर दो बेटा ऊपर, क्योंकि फंक्शन दे रखे डेरिवेबल है तो कॉन्टिन्यूस भी है, कॉन्टिन्यूस है तो सीधा भर सकते हो स्ट्रेट, भर दो बेटा इसमें एफ डैश वन टू एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन फोर है बेटा तो टू इंटू में फॉर एफ डैश वन, तो आंसर आ गया एट टाइम्स एफ डैश वन, ये आंसर आ गया बेटा। तो आपको मैंने ये तीनों क्वेश्चन असाइनमेंट के कराए हैं बेटा, तो जब असाइनमेंट की डाउट लोगे तो ये तीनों क्वेश्चन मेरे से मत करवाना, यहीं से देख लेना बेटा। अब ये लो एक इस टाइप का इंपॉर्टेंट टॉपिक और करा रहा हूं आपको, इसको देखना है आप, देख लो मैं आपको दो मिनट के लिए अनम्यूट भी कर रहा हूं। कुछ लो बेटा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ, ये भी मिक्स टॉपिक होता है बेटा, ये भी इंटीग्रेशन में आता है और लिमिट में भी आता है बेटा, क्योंकि इन सब में लिमिट यूज होती है बेटा, इसका नाम भी वही है कन्वर्जन ऑफ समेशन टू इंटीग्रेशन, कि आपके पास समेशन आ जाए तो आप उसका इंटीग्रेशन कैसे कन्वर्ट करोगे बेटा। तो ये लो कन्वर्जन ऑफ समेशन टू इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन का समेशन में, सॉरी समेशन को इंटीग्रेशन में कैसे करोगे बेटा, ये कहता है आपके पास मान लो कभी यू समेशन आ जाए, एक फंक्शन आ जाए आर बाय एन, एक फंक्शन है आर बाय एन में और साथ में वन बाय एन भी आ जाए, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो बेटा, एन बहुत लार्ज नंबर हो इन क्वेश्चनों में, फिर एन कोई बहुत बड़ा लार्ज नंबर हो और लिमिट है आर जीरो से लेकर एन तक, तो आप क्या करोगे, याद रखना समेशन को कन्वर्ट कर देना इंटीग्रेशन में और आर बाय एन को कन्वर्ट कर देना एक्स में, वन बाय एन को कन्वर्ट कर देना डीएक्स में,
ये कर देना ऑर्डर। क्या करना आप, आर बाय एन की जगह एक्स लगा दो, वन बाय एन की जगह डी एक्स लगा दो, और वन बाय एन डी एक्स लगा दिया, और लिमिट कैसे लगानी है, तो क्या आपको मैंने बताया, समेशन कन्वर्ट इनटू इंटीग्रेशन। इसका भी प्रूफ आएगा बेटा, आगे जाके करा दूंगा, इसका तो प्रूफ कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले ये थोड़े मुश्किल टॉपिक है बेटा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन में प्रूफ कराऊंगा इन सबके। समेशन इंटीग्रेशन में आर बाय एन एक्स में वन बाय एन कन्वर्ट हो जाएगा डी एक्स के अंदर। एक ये जो तुम आर बाय एन को एक्स ले रहे हो ना, इसमें आप एक बार लोअर लिमिट लोगे बेटा, आर को एक बार जीरो फिलअप करोगे सारे में, आर को जीरो फिलअप कर दो एक बार आर को एन फिलअप करोगे, जब आर को जीरो लोगे आप तो सारा आ जाएगा ये जीरो बाय एन, एक्स की वैल्यू जीरो आ गई बेटा। एक बार आप एन लोगे इसमें तो एक्स आ जाएगा एन बाय एन, वन आ गया बेटा। तो लिमिट यही लगानी है, क्योंकि आप आर बाय एन को एक्स भर रहे हैं, तो एक्स आ गया जीरो और वन, तो यहां पे लिमिट लगा दो जीरो से वन, ये लिमिट। दोबारा सुन लो मेरे से, समेशन कन्वर्ट, जो समेशन है वो कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रेशन में, आर बाय एन कन्वर्ट इंटू एक्स, वन बाय एन कन्वर्ट इंटू डी एक्स, इन सबका प्रूफ आएगा बेटा, अभी नहीं, आज से 15-20 दिन बाद इंटीग्रेशन के अंदर सबके प्रूफ कराऊंगा बेटा, अभी नहीं, अभी तुम बेस बनाओ बस अपना थोड़ा। तो समेशन कन्वर्ट इंटू इंटीग्रेशन, आर बाय एन कन्वर्ट इंटू एक्स, वन बाय एन कन्वर्ट इंटू डी एक्स, और जो आर बाय एन आप एक्स में कन्वर्ट कर रहे हो ना, उससे लिमिट भी चेंज करनी है। कैसे, आर बाय एन में आप एक बार आर को जीरो भरोगे तो जीरो बाय एन जीरो आ गया, तो लिमिट मैंने जीरो लगा दी, ये जीरो लगा दी। एक बार आर बाय एन में मैंने आर को एन लगा दिया बेटा, तो एन बाय एन वन आ गया, तो लिमिट मैंने ऊपर वन लगा दी बेटा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ये लो मैं इसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊं बेटा आपको, ये लो एग्जांपल लो बेटा, असाइनमेंट का 78 क्वेश्चन है बेटा, असाइनमेंट का 78 क्वेश्चन यही है, तो तब आप डाउट मत लेना बेटा, जब ये डाउट दूंगा ना तो तब इस क्वेश्चन की मत लेना। क्वेश्चन है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n समेशन आर बाय अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 to 2n। तो ये भी बेटा आपका जो ये क्वेश्चन है ना इस टाइप के, ये भी एडवांस में आते हैं बेटा, मेन में कम आते हैं बेटा, बाकी आने को बेटा कुछ भी कहीं भी आ सकता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं ना वो यही बता रहा हूं, आने को तो कहीं भी आएगा पर ज्यादातर एडवांस में आते हैं बेटा। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n समेशन आर 1 से लेके 2n आर स्केयर बाय एन स्केयर आर स्केयर, तो इसकी शक्ल आप वैसे ही बनाओ बेटा, देखो कैसे, ये एक्चुअल में लिखा क्या हुआ बेटा, ये लिखा यूं हुआ है 1/n लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, देखो 1/√ n स्केयर प्लस 1 का स्केयर, फिर देखो 2/√ n स्केयर प्लस 2 का स्केयर, ऐसे ऐसे ना बेटा, लास्ट में लिखा हुआ है 2n/√ n स्केयर प्लस 2n का स्केयर, मतलब 5n का स्केयर, ये लिखा हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन यूं आएगा बेटा, आप ये समझ लो या ये समझ लो, बात एक ही है बेटा, ये लो
दोनों क्वेश्चनों की स्टेटमेंट सेम है। यदि आप ऊपर समेशन को खोलते हैं, यदि आप ऊपर समेशन को खोलते हैं तो यही तो बन रहा है r की जगह 1 बाय n स्क्वायर 1 स्क्वायर, फिर r की जगह 2 n स्क्वायर 2 स्क्वायर, ऐसे लास्ट नंबर 2n भरोगे तो 2n बाय n स्क्वायर 2n का स्क्वायर 5n का स्क्वायर आ गया बेटा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे बेटा इसका, ये लो। अब इनमें लिमिट डली पड़ी है बेटा, लिमिट डली होने की वजह से अब एग्जामिनर को मतलब नहीं है ये कहां का है, वो तो लिमिट का समझ के क्वेश्चन देगा, है ये लिमिट और इंटीग्रल का मिक्स। तो आप इसको क्या करोगे, देखो लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी 1 बाय एन, इसको यूं कर दो बेटा, ऊपर एन से डिवाइड कर दो बेटा, नीचे से एन बार कॉमन ले लो बेटा, ये लो एन से एन कट गया बेटा, बात तो एक ही रही। अब बोलो मैंने आपको क्या सिखाया था, आर बाय एन कन्वर्ट इंटू एक्स, समेशन कन्वर्ट इंटू इंटीग्रेशन, आर बाय एन की जगह एक्स लगा दो बेटा, नीचे आ गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया बेटा, ये लो 1 बाय एन कन्वर्ट इंटू डी एक्स, ये लो। और एक जो आर बाय एन को आप एक्स में ले रहे हैं, आर को आप 1 लोगे तो 1 बाय एन 1 बाय इंफिनिटी 0, 2n लोगे तो 2n बाय एन 2 आ गया बेटा, तो 0 और 2 आ गया, लिमिट आ गई 0 से 2। आपका क्वेश्चन क्या बन गया, x बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2। अब ये बन गया बेटा अब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था लिमिट का। अब आप क्या करोगे, देखो आगे इंटीग्रेशन कराऊंगा ना बेटा अभी हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद, तो आप एक रिजल्ट आएगा, किसी फंक्शन की कोई पावर हो और पड़ोस में उसका डेरिवेटिव हो एफ डैश एक्स हो, तो उसका इंटीग्रेशन करना हो तो याद एनसीईआरटी का रिजल्ट है बेटा, कोई कंपटीशन नहीं है, ट्वेल्थ में बहुत कम कंपटीशन होता है बेटा, मैं फिर बता दूं ट्वेल्थ का कंपटीशन 11th के कंपटीशन का 10वां हिस्सा है, 12th का कंपटीशन 11th के कंपटीशन का 1/10 भी नहीं है। तो अधिकतर जितनी भी बातें यूज कर रहा हूं ना पीछे बिकॉज में रीजन दे रहा हूं, ये सारे एनसीईआरटी के टॉपिक है, आगे आएंगे, ये भी एनसीईआरटी का बेटा। एफ ऑफ एक्स की पावर एन हो इंटू में एफ डैश एक्स हो तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है बेटा, फंक्शन की पावर एक बढ़ा दो एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी, ये रिजल्ट होता है बेटा, अभी आ जाएगा 2-4 दिन में बेटा, अगला चैप्टर इंटीग्रेशन ही कराना है। तो लो बेटा ये क्या बन गया, अब ये लो 0 से 2 तक एक्स स्क्वायर को 2x डाल दे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर डाल दे माइनस की हाफ इंटू में dx बार 2 से डिवाइड कर दे, ये ले। अब ये क्यों किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये इसका डेरिवेटिव बन गया। थोड़ा ध्यान से देखो आप, यदि आप इसका डेरिवेटिव करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ही तो होता है, ये लो। अब ये क्या बन गया, थोड़ा ध्यान से देखो, ये बन गया एक फंक्शन की पावर माइनस 1 बाय 2 इंटू डी एक्स और ये बन गया उस फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, ये तो बन गया। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, जो ऊपर पावर माइनस 1 बाय 2 है उसको आप n मान लो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 बाय 2 वो n हो गया और 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, ये तो थ्योरम बन गई बेटा। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा आपका, ये लो फंक्शन की पावर एक बढ़ा दो, फंक्शन की पावर एक बढ़ाओगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर
माइनस वन बाय टू प्लस वन ऊपर, ये नीचे, माइनस वन बाय टू प्लस वन नीचे, ये। हाँ लिमिट क्या है सारे के साथ, जीरो से टू, ये लो। अब वन बाय टू से वन बाय टू कैंसिल हो गया बेटा, तो आपके पास ये आ गया अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर लिमिट जीरो से वन। अब इंटीग्रेशन में लिमिट सोल्व कैसे की जाती है, सॉरी जीरो से टू। अब आप एक बार सारे में टू भर दो और एक बार जीरो भर के सेपरेट कर दो, टू भरोगे तो रूट फाइव आ गया, जीरो भरोगे तो रूट वन आ गया, तो फाइनली आंसर आ गया रूट फाइव माइनस वन, ये आंसर आ गया। तो अब ये क्वेश्चन बेटा मिक्स माने जाते हैं, अब ये आपके इंटीग्रेशन के भी है और लिमिट के भी है, तो ये मिक्स क्वेश्चन होते हैं बेटा। ये लो इस टाइप का एक क्वेश्चन और देता हूं बेटा मैं आपको, क्वेश्चन नंबर है ये 28 सॉरी असाइनमेंट का, थोड़ा मुश्किल है ये। स्टेटमेंट है इवेल्युएट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल एन बाय एम एन की पावर एन सारे की पावर वन बाय एन, ये बेटा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल एन एम एन की पावर एन की पावर वन बाय एन, हाँ वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर बेटा, एम एक नेचुरल नंबर है, कह रहा है इसकी वैल्यू एड करके दिखाओ बेटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ बेटा। लो बेटा ये जो नीचे एम एन पड़ा है ना बेटा उसकी पावर एन, दोनों की अलग अलग कर दो बेटा, जो नीचे एम एन पड़ा है उसकी पावर अलग अलग कर दो बेटा, इसको आप कोई भी नंबर लेट कर लो बेटा, ये लो थोड़ा मुश्किल है बेटा ध्यान देना, नोट मत करो, लेट इसको पी मान लो बेटा, फैक्टोरियल एन एम एन की पावर एन की पावर वन बाय एन, पी मान लो बेटा। अब जो ये फैक्टोरियल है ना बेटा इसको आप अलग अलग खोल दो बेटा, जो फैक्टोरियल है उसको आप अलग अलग खोल दो, फैक्टोरियल कैसे खुलता है, वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे ऐसे करके बेटा इसका फैक्टोरियल खोल दो, तो क्या बनेगा सारा ये, और नीचे जो एन की पावर एन है सबके नीचे अलग अलग ले लो बेटा, और पावर है आगे लानी है तो टेकिंग लॉग इन बोथ साइड लो बेटा, टेकिंग लॉग, लॉग पी लॉग की प्रॉपर्टी पावर आगे आ गई बेटा, तो लॉग फैक्टोरियल को यूं लिखोगे आप वन बाय एन फिर टू बाय एन फिर थ्री बाय एन फोर बाय एन, लास्ट नंबर कितना आएगा बेटा एन बाय एन, ये आ गया बेटा, और एक जो एम की पावर एन से वन बाय एन कट गया बेटा, तो वन बाय एम बाहर आ गया, ये तो वन बाय एम बाहर आ गया बेटा, ये देखो कम समझ आ रहा हो तो ये लो मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, फैक्टोरियल एन को आप ये लिखोगे ऊपर वन टू थ्री फोर फाइव एन तक डाल दो, और नीचे जो एन की पावर एन है एन बार एन डाल दो, एन 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 एन, और वन बाय एन की पावर एन से वन बाय एन कट गया बेटा, तो वन बाय एम बार डाल दो, ये आ गया। अब मैंने टेकिंग लॉग इन बोथ साइड लिया, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, लॉग पी, अब पावर आगे आ जाती है बेटा, लॉग की प्रॉपर्टी पावर आगे आ गई बेटा, तो जो पावर है उसको मैं आगे ले रहा हूं वन बाय इनटू वाले प्लस हो गए बेटा, सारा आ गया लॉग पी वन बाय, ये सारा बन गया लॉग वन बाय प्लस टू बाय प्लस थ्री बाय, लास्ट नंबर बन गया बेटा लॉग एन बाय एन, ये बन गया बेटा, और पावर आ गया बेटा, और माइनस में लॉग जो आपका बचा पड़ा बेटा, जो
वन बाय एन था, लॉग बार लिया, वो लॉग वन बाय एम अलग हो गया बेटा, लॉग वन बाय एम बार आ गया बेटा। वो तो जो इनटू में था बेटा, पावर आगे ले ली, वो जो इनटू वाला था वो वन बाय एन उसके साथ नहीं है बेटा, ये लो अलग लिख देता हूँ यहाँ पे। प्लस लॉग वन बाय एम, अब इसको समेशन में लिखो बेटा, तो लॉग पी वन बाय एन ये यू बन गया, लॉग आर बाय एन, आर स्टार्टेड फ्रॉम वन टू एन, और ये बन गया बेटा। अब लिमिट ले लो दोनों तरफ, टेकिंग लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी, ये लो लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी, और प्लस में लॉग एम को माइनस लॉग एम, वन बाय एम को माइनस एम लिख सकते हैं, वो पढ़ा रहने दो बेटा। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, क्या बताया था मैंने आपको, लॉग कन्वर्ट सॉरी आर बाय एन कन्वर्ट हो जाएगा एक्स में, तो लॉग आर बाय एन है तो लॉग एक्स आ गया बेटा, और इंटीग्रेशन समेशन आ गया इंटीग्रेशन में, वन बाय एन कन्वर्ट हो गया डीएक्स में, लिमिट आर बाय एन यदि एक्स है, आर बाय एन यदि एक्स है तो ये एक्स क्या बनेगा बेटा, आर को आप वन भरोगे तो वन बाय एन जीरो हो गया, यदि एन बाय एन भरोगे तो वन आ गया, तो लिमिट आ गई जीरो टू वन, माइनस में लॉग एम। अब जो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा, ये भी आप टेम्परेरी कर नहीं पाओगे, मैं आपको रफली बता देता हूं, अभी आ जाएगा बेटा थोड़े दिन में। दो फंक्शनों का इंटीग्रेशन आया ना बेटा, यू इंटू वी का, तो इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है यू ऐसे का वैसा, वी का इंटीग्रेशन, यू का डेरिवेटिव, वी का इंटीग्रेशन, जो सारा आगे सारे का दोबारा इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला होता है बेटा। मान लो दो फंक्शन है बेटा, ये सारा एनसीईआरटी है, कभी आप सोचो मैं आईआईटी की चीजें बता रहा हूं ना, ये रीजन जितने भी दे रहा हूं बेटा एनसीईआरटी है सारी, कुछ नहीं है कोई भी कंपटीशन का कुछ नहीं है, साइड में जो लिख रहा हूं सारी एनसीईआरटी है बेटा, और एनसीईआरटी के बहुत आसान रिजल्ट है, एबीसीडी है, बहुत आसान है। हाँ पर अभी आगे आएगी, दस दिन में आ जाएगा बेटा सारा कुछ। यू इंटू वी ये कहलाते प्रोडक्ट फार्मूला, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको बाय पार्ट्स भी बोल देते हैं, टुकड़ों में करना बेटा, पहला वैसे का वैसा, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, जो आ जाए सारे का दोबारा इंटीग्रेशन। तो जब लॉग एक्स का इंटीग्रेशन आए ना बेटा, तो आगे जाके अभी सिलेबस आएगा, हमें इंटू में वन डालना पड़ता है सारे के साथ, और लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ता है, वन को सेकेंड फंक्शन बेटा। तो क्या होता है इसका फार्मूला, पहला लॉग एक्स वैसे का वैसा, वन का इंटीग्रेशन, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, वन का इंटीग्रेशन, जो सारा आ गया सारे का दोबारा इंटीग्रेशन बेटा। तो ये आ गया लॉग एक्स वैसे का वैसा, वन का इंटीग्रेशन एक्स, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, 1 का इंटीग्रेशन x होता है बेटा इनटू dx, तो सारा आ गया x log x माइनस में 1 का इंटीग्रेशन, 1 का x ही होता है बेटा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है बेटा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, तो x log x माइनस x आ गया बेटा। तो भर दो बेटा यहाँ पे, ये लो ये आपके पास आ गया सारा x log x माइनस x, तो यहाँ पे आप आ गए एक्स लॉग एक्स माइनस में एक्स की लिमिट जीरो टू वन माइनस में लॉग एम, ये आ गया। अब आप इसमें लोअर अपर लिमिट भर दो, सारे में वन भर दो बेटा, तो वन लॉग वन माइनस जीरो भरोगे जीरो लॉग जीरो माइनस में जीरो माइनस में लॉग एम, जीरो इंटू लॉग जीरो जीरो ही हो गया, लॉग वन भी जीरो होता है, तो माइनस वन माइनस में लॉग एम, वन को हम ये लिख सकते हैं बेटा log e,
लॉग में दो नंबर माइनस हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड हो गए, पर माइनस है प्लस हो गया, तो लॉग ई एम आंसर आ गया बेटा, ये आंसर आ गया बेटा आपका फाइनली। लॉग ई एम ये आंसर आ गया बेटा आपका। तो आपको मैं एक मिनट दे रहा हूं, इसको रीड करो, तो आप थोड़ी देर में अनम्यूट करूंगा तब आप पूछ सकते हो बेटा। अभी आप रीड करो इसके ऊपर, एक मिनट लगाओ। ये बेटा एडवांस में आते हैं बेटा, मेन में इतने मुश्किल नहीं आते, मैं बार बार आपको कह रहा हूं। मुझे बहुत साल हो गए पढ़ाते बेटा, आप पहचान हो चुकी है कौन सा क्वेश्चन कहाँ आता है, 27 ईयर्स हो गए बेटा यही सब कराते हुए। तो ये एडवांस में आते हैं बेटा, फैक्टोरियल भी खोलना आ जाए, बीच में लेबनीज आ जाए, समेशन आ जाए, इंटीग्रेशन आ जाए, तो सारे मेन, तो मेन का पेपर तो बहुत ईजी आता है बेटा। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन और कराऊंगा बेटा आपको मैं, अब इसके ऊपर एक बार नजर मार लो बेटा सारे पे, एक दो मिनट लगाओ इसको। ये क्वेश्चन नंबर 116 है असाइनमेंट का, आईआईटी 2005 में आया हुआ बेटा। एग्जांपल थर्ड है, आईआईटी 2005 में आया हुआ है। स्टेटमेंट है इवेलुएट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटिव 1/n² असाइनमेंट के अंदर 116वां क्वेश्चन है बेटा, सेकंड स्क्वायर 1/n², फिर 2/n², सेकंड स्क्वायर 4/n², ऐसे ऐसे लास्ट नंबर ये दे दिया बेटा आपको 1/n एंड सेकंड स्क्वायर 1 और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है बेटा। करे सारे की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ बेटा, तो फिर सुन लो स्टेटमेंट है 1/n², सेकंड स्क्वायर 1/n², 2/n², सेकंड स्क्वायर 4/n². अब आपको इसको समेशन में कन्वर्ट करना बेटा, इसको मैं यूं लिख दूं बेटा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n², सेकंड स्क्वायर 1/n², 2/n², सेकंड स्क्वायर 2/n². अगला आ रहा है 2² / n². देखो मैंने क्या किया, 4/n² को मैंने 2² 1/n² डाल दिया बेटा। अगले को फिर ऐसे ऐसे चलने दिया, सबसे आखिरी में क्या कर रहा हूं सुनना मेरा स्टेप, आखिरी को देखो मैं क्या लिख रहा हूं, n/n² डाल रहा हूं, जो 1/n है ना बेटा आपके पास, देखो 1/n को मैंने क्या डाला, और सेकंड स्क्वायर जो 1 है, सेकंड स्क्वायर 1 बन गया मेरे पास, तो सेकंड स्क्वायर 1 है, 1 को यूं डालो आप, n² / n² डालो तब समझ आएगा मेरा स्टेप। देखो बेटा जो मैंने स्टेप लिखे, ध्यान दो बेटा, नोट मत करो एक बार, इधर ध्यान दो, आखिरी स्टेप देखो मैंने क्या किया बेटा, तो लास्ट स्टेप है उसको मैं क्या लिख रहा हूं, देखो मैं n² / n² डाल रहा हूं बेटा, कारण यही है, ये सारे का सारा समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लो ये बन गया समेशन सेकंड स्क्वायर 1/n² और यहां आ रहा है बेटा r/n², तो 1/n बाहर ले लेता हूं बेटा ये लो, और r इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 से लेके n तक ले लो,
आप एक काम करो, इसमें आर को वन भर के देखो सारे में। फर्स्ट टर्म आ रही है, आर को टू भर के देखो, सेकंड टर्म आ रही है, सॉरी यहां आएगा आर स्केयर बाय एन स्केयर यार, यानी कि आपके पास ये हो गया बेटा सारा आर बाय एन का स्केयर, ये आ गया। अब आप एक काम करो, इस सारे में आर को वन फिलअप करके देखो बेटा, फर्स्ट टर्म आ रही है आर को टू फिलअप करके देखो, सेकंड आ रही है आर को थ्री भर के देखो, थर्ड आ रही है आर को एन फिलअप करके देखो, लास्ट टर्म आ रही है, इसका मतलब ठीक कर रहे हैं हम। अब लिमिट क्या है यहाँ पे, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटिव। अब रूल क्या बताया था, समेशन कन्वर्ट इंटू इंटीग्रेशन, वन बाय एन कन्वर्ट इंटू डी एक्स, ये लो आर बाय एन कन्वर्ट इंटू एक्स, तो एक्स सारा आ गया सिकेंड स्केयर एक्स का स्केयर, ये आ गया। अब आप इसको ध्यान से देख लो, ये सारा आपके पास क्या बन गया, लिमिट आर बाय एन को एक्स भरोगे तो जीरो टू वन आ गया बेटा। तो कितनी बड़ी सीरीज थी, इतनी बड़ी सीरीज देखो, सिर्फ एक छोटा सा इंटीग्रेशन बन गया बेटा। अब ये आपके पास बन गया एक्स जीरो टू वन, एक्स सेकेंड स्केयर एक्स स्केयर इंटू डी एक्स, सेकेंड स्केयर एक्स स्केयर इंटू में डी एक्स। अब हम इसको बेटा, हमारे पास आगे एक सब्स्टिट्यूशन आता है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में एक आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये भी एनसीईआरटी का बेटा, कोई कंपटीशन का नहीं है। मैं जितने भी बिकॉज में रिजल्ट दिखवा रहा हूं सारे एनसीईआरटी के बेटा, ये आपके सारा कुछ आ जाएगा। तो ये क्या कहता है, ये कहता है यदि आपको इंटीग्रेशन करना हो कोई टी में, एफ ऑफ एक्स है डी एक्स है, और मान लो ये थोड़ा लेंथ ही दे रखा हो बेटा, तो आप पुट कर दो ना बेटा यहां पे एक्स को भर दो फाइ ऑफ जेड, ये भर दो, तो ये बन गया एफ ऑफ फाइ ऑफ जेड, और एक इसका डेरिवेटिव भी कर दोगे रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का वन फाइ ऑफ जेड का आ गया फाइ डैश जेड, जेड का आ गया डी जेड बाय डी एक्स, तो यहां से dx की वैल्यू निकाल लो बेटा, phi dash z dz, ये भर दो बेटा यहां पे, तो phi dash z dz। अब आपको होता क्या लग रहा होगा, आपको लग रहा है मैंने ना बड़ा मुश्किल बना दिया बेटा, ये बड़ा इजी बन जाता है, अभी आगे सिलेबस करोगे ना बहुत इजी हो जाता है, आपको लग रहा है मैंने मुश्किल कर दिया, जबकि बेटा पहले वाला मान लो मुश्किल है, मान लो पहले वाला मुश्किल है तो ये मैंने आसान कर दिया। तो अब आप कैसे करोगे, देखो इसका इंटीग्रेशन लिमिट क्या है, जीरो टू वन एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो वही काम यहां पे कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर को जेड भर दो बेटा, करो आप इसका डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, जेड स्क्वायर का डी जेड बाय डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू आ गई बेटा डी जेड बाय टू, ऊपर भरना क्या बन गया सारा आई वन बाय टू डी जेड, ये आ गया सेकंड स्क्वायर जेड इंटू में डी जेड, ये आ गया बेटा सारा। और लिमिट चेंज करना बेटा, एक्स स्क्वायर को आपने जेड भरा जब, तो एक्स स्क्वायर को जेड भरा, एक्स स्क्वायर को जब जेड भर रहे हो आप तो एक्स को जीरो लेना बेटा इसमें, तो जेड जीरो आ गया, एक्स को वन लोगे तो जेड वन आ गया बेटा यहाँ पे, ये लो तो लिमिट आ गई जीरो टू वन। अब सेकंड स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है, यदि आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद तो याद करो किसका डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन के सारे रिजल्ट डेरिवेटिव के उल्टे होते हैं बेटा। तो किसका डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर था, टेंजेंट का, तो सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रल टेंजेंट जेड। अब आप लिमिट भर्ती कर दो बेटा उसमें जीरो टू वन,
सारे में एक बार जीरो भरोगे एक बार वन भरोगे तो सारा आ गया आपके पास टेंजेंट वन रेडियन बाय टू माइनस में टेंजेंट जीरो बाय टू।